पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके ईमेल पत्रों के उत्तर लेकर हम हाजिर हैं। मैं आकांक्षा सिंह और मैं राजेश कुमार गौतम, सभी को नमस्कार। सर, हमारी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, एक रूटीन जिसमें हम बंध से गए हैं, हमारी जो दिनचर्या है एक ही ढर्रे पर चली जा रही है और हमें कभी न कभी यह महसूस होता है कि इसमें कुछ बदलाव जरूरी है, वरना हो सकता है एक दिनचर्या में बधे बधे या एक ही तरह का काम करते करते हम निराशावादी हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो निराशावादी न हो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने आकांक्षा। और जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक रूप लेकर के ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। आचार में, विचार में, खान पान में, रहन सहन में, अपने कार्य में, अपनी दक्षता में, जितना भी कुछ हम नई चीज कर पाए हमें करना चाहिए। और एक जो होता क्या है कि जब बार बार एक आदमी को एक ही काम करना पड़ता है, चाहे जैसे हम देखते हैं कि नौकरी पेशा लोग जो होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो टाइप जीवन जीने लगते हैं। सुबह उठे, फटाफट तैयार हुए, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, अपने भी टिफिन तैयार किया, फट से ऑफिस भागे। तो ये करते करते, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ जो अपने लिए क्या कुछ हम एनर्जी ला सकते, कहाँ से एनर्जी लाएंगे, कुछ सत्संग कर सकते हैं, कुछ अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कुछ बाहर फील्ड में जा सकते हैं घूमने फिरने, सैर सपाटे, ये सब चीजें जो बनी हुई है इसी के लिए है। तो हमें अपने जीवन में चाहिए कि हम कहाँ से सकारात्मक हों, कहाँ से अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। तो ये हम सभी को स्वतः मूल्यांकन अपना करना चाहिए कि हम अपने आप को तरोताजा रखें और जो भी काम करें हैं, चाहे घर का, चाहे बाहर का, चाहे ऑफिस का, चाहे दफ्तर का, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम पढ़ाई करते हो, कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये महसूस कर लेना चाहिए खुद को, अगर आप बच्ची हैं या हम बेटे हैं या हम किशोर हैं या एक बच्चा स्कूल जाने 8 साल का भी है, तो भी उसको भी एहसास कराना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। कोशिश करना चाहिए कि जो उसको पसंद हो वो खान पान करे, जो उसको पसंद हो वो कपड़े पहने, जो उसको खेल पसंद हो उसको खेलना चाहिए, जो उसको एंटरटेनमेंट के लिए चीजें चाहिए वहां ले जाना चाहिए। अपने एक समय सीमा और एक अपने बजट के अनुकूल हमें अपनी मानसिकता बनानी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे संसाधन है हम उसी में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको तैयार होने के लिए हम उनको प्रेरणा दें। और अपने लिए समय निकालना, अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखना इसलिए भी जरूरी है श्रोताओं, कि हम तनाव या अवसाद से ग्रस्त न हो जाएं। इन दिनों डिप्रेशन, तनाव, अवसाद की जो मानसिकता है वो बढ़ती जा रही है और कारण क्या है, बस यही एक नकारात्मक सोच हमें तनाव की ओर ढकेलती है। तो सकारात्मक सोच रखें जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। आकांक्षा, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जीवन में बहुत सारी सफलता या महत्वाकांक्षा या बहुत कुछ बड़ा करने की जो अभिलाषा मन में रखते हैं, ठीक है, लक्ष्य बड़े ही रखना चाहिए, लेकिन अगर उसमें असफल हो जाए तो इसमें निराशा नहीं पनपने देना चाहिए। कारण क्या है, अगर हम एक बार असफल हो रहे हैं, दो बार असफल हो जा रहे हैं, लेकिन हम उस असफलता में हमारे सफलता की नींव पड़ जाती है। अगर हम उसको एक सही तरीके से उसका मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि कुछ कमी बेसी हमारे प्रयासों में रह जाती है, जिससे हम बाद में जो और अधिक श्रम या मेहनत और विचार मैच्योर परिपक्व हो जाते हैं तो उसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं। फिर एक स्टोरी हम बताते हैं जो अपने आने वाले पीढ़ी को कि हमने ये किया, हमने वो किया। कहने का अर्थ है कि कभी भी चुनौतियों को या संघर्ष को या धैर्य को हमेशा साथ रख करके उस पर विचार करके ठंडे दिमाग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए और किसी भी तरह का निराशापन या निराशावादी बातें या कोई इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे परिवार में, हमारे समाज में और बड़ा संकट हो। और अब हम पत्रों की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो खतरनाक बात यह होगी कि हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डिप्रेशन में ना जाए, उनके भी कहेंगे कि आप पत्र लिखते रहिए,
और देखिए हम थोड़ा यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है बिल्कुल, लेकिन हमने कहा है ना कि अगर पत्र नहीं भेजेंगे तो प्रोग्राम हम बंद कर देंगे, लेकिन हम अभी पेशेंस और धैर्य से काम ले रहे हैं कि हमारे नए श्रोता बन रहे हैं, भले पत्र कम आ रहे लेकिन पूरे प्रोग्राम की चर्चा वो लोग करते हैं, पत्र लिखते हैं, बताते हैं कि किस दिन क्या कार्यक्रम होगा। कहावत है ना आकांक्षा, जैसे कोई परफॉर्मर होता है तो बहुत बड़ी गोष्ठी ना हो या बहुत बड़ा मंच ना हो, लेकिन उसमें अगर एक दो विद्वान सुनने वाले हैं, जानकार लोग हैं, तो गोष्ठी अपने आप में सफल हो जाती है। उसी तरह हमारे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है कि अगर बहुत सारे लोग पत्र नहीं लिख रहे लेकिन जो लोग लिख रहे हैं गूढ़ लोग हैं, जानकार लोग हैं, चीजों को समझते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। पत्र किसका है? तो ये जो पहला ईमेल है ये हमारे श्रोता प्रवीण कुमार जी हैं, इनका ईमेल हम तक आया है कोयलरा भदोही से। अच्छा अच्छा, क्या लिखते हैं? नमस्कार के साथ कह रहे हैं, बड़े प्यारे ढंग से इन्होंने एक शिकायत की है कि क्यों सर जी ईमेल क्या नहीं आ रहे हैं जो गाने बजाने पड़ रहे हैं कार्यक्रम में। देखिए ये बात तो हम नहीं कहेंगे कि ईमेल नहीं आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं। रही बात गाने बजाने के लिए, तो देखिए हर आदमी चाहता है कि अपने पसंद के गीत खुद सुने, जो हमारे चाहने वाले उनको सुनाए, तो इसलिए कुछ एक अच्छा सा बढ़िया सा सुंदर सा मीठा सा प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं। क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं? अगर बहुत सारे लोग लिखे हैं हमको कि गीत नहीं सुनना चाहते हैं तो हम बंद कर देंगे, क्यों आकांक्षा? बिल्कुल सही सर। आगे ये लिख रहे हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग बनारस एक ही फिल्म से हेलो फरमाइश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक शिकायत है आपसे। जरूर। विविध भारती को बंद करके ठीक नहीं किया आपने, प्राइमरी चैनल को एफएम पर बजाना चाहते हैं तो एक और एफएम चैनल लगाने की कृपा करें जिसमें विविध भारती को चलाया जाए, कृपा करके विविध भारती बजाएं बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारे लिए ये महानिदेशालय से ये जोर पड़ रहा है कि सिर्फ विविध भारती ही क्यों अच्छे कार्यक्रम करे, क्या और चिंता नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी सराहिए अगर हम लोग ठीक कर रहे हैं, नहीं तो कुछ कमी बेसी हो तो बताइए। और जहां तक विविध भारती की बात, भाई विविध भारती तो अपने कार्यक्रम अच्छा करते ही रहा है, हमेशा से करता रहा है, और इसी रास्ते पे हम भी कुछ कुछ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेकर के बताइए जी। वैसे सर इनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विविध भारती हमारे एफएम बैंड पर अब भी बजता है सुबह 9 से 10 बजे तक, दोपहर में 3 से 5 बजे तक, और रात में 9 से 10 बजे तक। ये हमारे एफएम बैंड 100.6 पर विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। तो आनंद के साथ अगले ईमेल की तरफ बढ़ते हैं सर। जरूर। अगला ईमेल हमारे श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कुटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से आया है। क्या लिख रहे हैं त्रिपाठी जी, क्या लिख रहे हैं? 30 अगस्त 2023 को आशुतोष द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अच्छा लगा, साथ ही 30 अगस्त को गुड मॉर्निंग बनारस भी अच्छा प्रस्तुत किया था उन्होंने, और 31 अगस्त को शाहरुख खान पर एक ही कलाकार ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था बहुत ही उम्दा कार्यक्रम था। ये चाह रहे हैं कि अभिनेता अमिताभ बच्चन और बिरजू महाराज पर भी कार्यक्रम करें तो बहुत अच्छा होगा। त्रिपाठी जी आपने 30 तारीख के ज्यादातर कार्यक्रम पसंद किए हैं, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपकी डिमांड है कि बिरजू महाराज और अमिताभ बच्चन पर कार्यक्रम हो तो हम प्रयास करेंगे कि इस पर भी कुछ कार्यक्रम हमारे प्रस्तुता करें। साथ ही ये लिख रहे हैं कि 1 सितंबर को एक ही फिल्म जो आशुतोष ने प्रस्तुत किया था बहुत ही सराहनीय था, आप लोगों ने YouTube पर एक ही कलाकार एक ही फिल्म इत्यादि जो कार्यक्रम है उसे डालना शुरू किया है, इसके लिए आपको दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम कहीं से भी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, तो इसी तरह से आप नए नए प्रयास करते रहें और श्रोताओं का मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवर्धन करते रहें। देखिए हमारा तो प्रयास है कि हम सतत प्रयत्नशील रहें और जो हमारे श्रोताओं की मांग है उसको पूरा करते रहें, और आप हम चाहेंगे कि आप लोगों से इसी तरह से पत्र लिखते रहें, हमें सुझाव भेजते रहें। और एक निवेदन कर रहे हैं सर ये कि अगर युवाणी में थोड़ा सा गीतों की संख्या कम की जाए और थोड़ा सा उसमें कंटेंट बढ़ाया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। वैसे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बहुत ही उम्दा चल रहा है, लेकिन गीतों की संख्या कम होगी तो समय की सार्थकता और बढ़ जाएगी, कृपया प्रयास करें। ये बहुत अच्छा सुझाव है, हम चाह भी रहे इसमें थोड़ा सा उसका, हमने एक बैठक की थी और उसमें हमने चाहा था कि कुछ कंटेंट बढ़े,
तो जैसे देखिए अभी हम लोगों ने उसमें कभी गोष्ठी की है, कुछ विद्यालय प्रांगण से भी कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी टॉक्स, ये जो वार्ताएं होती हैं वो भी सूचना के तौर पे दी जाएं, तो हम देखते हैं अगले कुछ दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। इस ईमेल पत्र के लिए हम रतिनाथ जी को धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले ईमेल की ओर। लेकिन गीत सुनने के बाद मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। Yeah.
खुशबू देता है, सागे सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इस गीत के बाद सर फिर से पत्रों की ओर चलते हैं। ये जो ईमेल आया है ये हमारे श्रोता हैं असगर अली, शिवपुर वाराणसी से इन्होंने ये ईमेल भेजा है। असगर में क्या लिखते हैं? 25 अगस्त 2023 को सुगम संगीत में श्री हरिहरन द्वारा गाई गजलें सुनी, बहुत अच्छी लगी। रात 10 बजे गीतांजलि कार्यक्रम में शैलेश जी ने फिल्मी गाने सुनाए, उनकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। धन्यवाद। आगे क्या लिखते हैं? साथ ही 1 सितंबर को आकांक्षा सिंह से नेत्र विशेषज्ञ एवं सर्जन सुनील कुमार साह के साथ नेत्रदान और अन्य नेत्रों की बीमारियों और इलाज के बारे में सवाल जवाब बहुत ज्ञानवर्धक था। अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। वैसे सर इन्हें बता दें कि ये जो कार्यक्रम सुनाया गया था हमारे श्रोताओं को, जो नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा था उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था और इसमें नेत्रदान विषय के बारे में हमें जानकारी दी थी नेत्र रोग विशेषज्ञ सुनील कुमार साह ने। और ये बहुत उपयोगी वार्ता रही है क्योंकि हम जब नेत्रदान करते हैं तो किसी को जीवन देते हैं, रोशनी देते हैं। तो इस बारे में भी हमें आपको अपने जो सामाजिक सरोकार हैं, सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं समाज के प्रति, हम क्या कुछ कर सकते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। तो उस पर भी आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आगे क्या लिखते हैं? रात 10 बजे आशुतोष द्वारा गीतांजलि कार्यक्रम में अच्छे अच्छे गीत सुनाए गए, अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म के गीतों के साथ जो प्रस्तुति थी बहुत ही मनमोहक थी। और रात 8:30 पर रस माधुरी कार्यक्रम में भी अच्छे गीत बजाए गए। इन सभी कार्यक्रमों के संयोजन के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्र लिखा, आपको असगर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये तो थी तारीफ, अब थोड़ी सी शिकायत। स्वागत है। असगर जी को शिकायत है कि आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम में फिर वही कमी मिली जिसको आपने बंद कराया था। आज के कार्यक्रम में भी नामों ने गाने का गला घोट दिया। सर मेरा निवेदन है कि आखिरी गाने के वक्त नाम आता भी है तो न पढ़ा जाए। देखिए असगर जी, हम बताना चाहेंगे कि यदि श्रोताओं के हम नाम नहीं बोलेंगे जिन लोगों ने हमें लिखा है, पत्र भेजा है, तो फिर यही शिकायत होगी। फिर जब लोगों का नाम हम नहीं बताएंगे तो ये पुष्टि कैसे होगी कि किसने चिट्ठी लिखा, क्या लिखा। हमारी कोशिश होती है कि थोड़े से में है बहुत सारे लोगों के नाम हम बता दें। तो कभी कभी ऐसा होता है तो थोड़ा सा हमारे साथ दीजिए जी। और सर आपके पत्र आपके गीत ये जो कार्यक्रम है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, हर श्रोता की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी पसंद के गीत के साथ उसका नाम पढ़ा जाए। अब असगर जी जिस तरह आपको लगता है कि हर कार्यक्रम में आपके पत्र शामिल हो, आपकी फरमाइश शामिल हो, वैसे ही हर श्रोता की चाह होती है। तो इतने सारे फरमाइशों के साथ सभी के नाम लेना हमारे लिए भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि सभी श्रोताओं के नाम उसमें शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या लिखते हैं? साथ ही पिछले कार्यक्रम में आपने बाय बाय वाली बात पर कहा था कि नए जमाने के साथ चलना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि आपसे प्रार्थना है कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी आरजे और खासकर सभी उद्घोषकों को ये इंस्ट्रक्ट कर दें कि वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद नमस्ते न करके बाय बाय कहा करें। सर ये थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, थोड़ी सी बात अटपटी सी है। कोई भी कार्यक्रम का नेचर होता है, उस नेचर के अनुरूप हम अलविदा कहना या विदाई लेना या नमस्कार कहना या बाय बाय कहना, जहां जो सटीक शब्द होते हैं उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ कहने मात्र भर से ऐसा नहीं कि लोग नमस्ते नमस्ते कहें या टाटा या बाबा कहें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हर कार्यक्रम के साथ क्या शब्द फिट बैठ रहा है, एक्सटेम्पोर आदमी करता है, तो ऐसे में शब्द चयन स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, विचार बहुत सारे आते हैं। तो कोई इसको नियम में बांधना या ऐसा स्पष्ट निर्देश देना संभव नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि हर चीज के साथ बाय बाय टाटा नमस्ते ही किया जाए, वो उस प्रोग्राम के अनुकूल जो चीजें सटीक बैठती है हमारे पास होता उसको उस ढंग से कहते हैं। सर ये गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं जिसकी शिकायत उन्होंने पिछले पत्र में की थी। जी जी जी। गुड मॉर्निंग बनारस तो इस तरह का कार्यक्रम है, उसमें
20 मिनट के कार्यक्रम में हम श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन देते हैं, और चूंकि वो सवेरे का कार्यक्रम है तो कोशिश हमारे जो प्रस्तोता है उनकी ये रहती है कि पूरा कार्यक्रम उल्लासित हो, न कि स्लो पेस में जाए। तो हर प्रस्तोता का अपना एक अंदाज होता है कार्यक्रम पेश करने का, और उसमें प्रस्तोता की अपनी शैली होती है, अपना तरीका होता है, और ये मैन टू मैन डिफर करता है, अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को एक सूत्र में बांध दे कि दो दुना चार ही बताए, ऐसा संभव नहीं है। 3+1 भी तो चार ही होता है सर। ठीक। तो अजगर अली जी, आपकी शिकायत इस उत्तर से जरूर दूर होगी, लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई शिकायत है तो आपके ईमेल पत्रों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी ईमेल है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। क्या लिखते हैं सर? पुरानी बात को ये याद करते हुए इन्होंने कहा है कि 1987 में रात 9:16 पर एक कार्यक्रम आता था साज और आवाज। इस कार्यक्रम में पहले गाने की धुन बजाई जाती थी और फिर वही गीत सुनाए जाते थे, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था, इसे दोबारा शुरू करें। आकांक्षा, ये बड़ी पुरानी बात है और बहुत दिन ये कार्यक्रम चला, लेकिन फिर धीरे 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 लोगों ने इसको सुनना कम चाहा तो उसको धीरे से बंद हो गया जी। लेकिन और देखते हैं कितने श्रोता इसको सुनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इसको हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे ये लिख रहे हैं सर कि आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही कलाकार जो सायरा बानो पर केंद्रित था, लाजवाब प्रस्तुति थी। धन्यवाद के साथ 31 अगस्त को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी गीत लाजवाब थे, गीतों में बहन भाई का प्यार झलक रहा था। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए सर को सलाम करते हैं। साथ ही 31 अगस्त को सुगम संगीत कार्यक्रम में विजय कपूर को सुनना अच्छा लगा, और 1 सितंबर को कहकशा कार्यक्रम जो आशुतोष द्वारा प्रस्तुत था, सभी गजलें अच्छी थी। धन्यवाद के साथ आगे इन्होंने लिखा है सर कि 1 सितंबर को ही कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो अरुण जी द्वारा प्रस्तुत था सुना, अत्यंत रोचक और मनोरंजक लगा। साथ ही 3 सितंबर को कार्यक्रम लोक रंग में जो लोकगीत प्रस्तुत किए गए थे अरुण जी द्वारा, सभी मनभावन लगे। तो ज्यादातर कार्यक्रमों की प्रशंसा आपने की है, कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अगला पत्र किसका है? इसी ईमेल में ये आगे लिखते हैं कि 4 सितंबर को आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम पांडुरंग पुराणिक जी द्वारा प्रस्तुत था, सभी गीत बेमिसाल थे, सुनकर मजा आ गया। और 29 अगस्त को पांडुरंग जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में सभी गीत मनभावन लगे, लाजवाब प्रस्तुति थी, और एक ही कलाकार में नूतन पर आशुतोष जी द्वारा कार्यक्रम जो प्रस्तुत था बेहद पसंद आया। हिंदी कार्यक्रम मंजूषा के अंतर्गत प्रसारित निखिलेश कुमार मिश्र से काव्य पाठ सुना, हमारे वीर जवानों पर विशेष संदेश देने वाली कविताएं दिल में उतर गईं। ये बहुत तिथिवार पत्र था इनका, और हमें लग रहा है कि इन्होंने सभी प्रस्तुताओं के कार्यक्रमों की चर्चा की है, पांडुरंग जी की भी चर्चा की है, कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगा है। एक बात हमको आकांक्षा बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक कार्यक्रम के बारे में कोई पत्र नहीं भेज रहा है या मेल नहीं भेज रहा है, उनके मेल में कम से कम 4-5 दिन का डिटेल्स पूरा रहता है, तो एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात भी है कि कम से कम आप लोग हमारे 4-5 दिन के कार्यक्रमों के बारे में अपने समीक्षा जो पसंद करते हैं नहीं करते हैं क्या लेकर के भेजते हैं। हम पूरा एक बार निवेदन कर दें कि हमें और मेल मिलना चाहिए, तो हमारा उत्साह वर्धन भी होगा, क्योंकि आपके ही मेल से हमारा हिम्मत हमारी खुशी जो हम इजहार करते हैं वो कर पाते, अदरवाइज क्या करते हम लोग, निराश हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, हमारे श्रोता बड़े समझदार हैं, हमें निराश नहीं होने देंगे, पत्र जरूर भेजेंगे। वैसे रतिनाथ जी का ये जो ईमेल है ये भी खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ और कार्यक्रमों की चर्चा की है इन्होंने। 30 अगस्त को कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत प्रसारित फिल्म मेरा नाम जोकर की जो प्रस्तुति थी अत्यंत मनभावन थी। साथ ही 27 अगस्त को हेलो फरमाइश कार्यक्रम पांडुरंग पुराणिक जी द्वारा प्रस्तुत अच्छा लगा, और आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित नाटिका सूत्रधार सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। कुछ और कार्यक्रमों का जिक्र इन्होंने किया है, जैसे फरमाइशी लोकगीत हैं और जो अन्य फरमाइशी कार्यक्रम है सर, सभी में अच्छे गीत बजे। तो सर, ये आज के कार्यक्रम का आखिरी ईमेल था, श्रोताओं से विदा लेने का वक्त आ गया है। लेकिन पता जरूर बता दिया जाए। तो श्रोताओं, हम तक आपका ईमेल इस पते पर पहुंचेगा, PKLDAIR वाराणसी @gmail.com।
हमें रहेगा आपके ईमेल पत्रों का इंतजार। आज के कार्यक्रम से हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को आकांक्षा सिंह और राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद।